एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इन तीनों विंडो के बारे में बात करेंगे। जो खुल के आता है विंडो उसके बारे में। इन तीनों एप्लीकेशन के टॉप में टाइटल बार रहता है, जिसमें लेफ्ट, मिडल, राइट इन तीन सेक्शन में बटे होते हैं। लेफ्ट में एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है, मिडल में फाइल नेम और सॉफ्टवेयर का नाम रहता है, राइट में डिस्प्ले रिबन ऑप्शन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और रीस्टोर या क्लोज बटन रहता है। अब बात करेंगे टैब या मेन्यू की, जिसके ऊपर क्लिक करते ही एक रिबन रिफ्लेक्ट होता है। बाय डिफॉल्ट होम टैब या मेन्यू रहता है ओपन इन तीनों सॉफ्टवेयर में। इस रिबन के नीचे क्विक एक्सेस टूल बार को लाया जा सकता है। रिबन के नीचे जनरली वर्किंग एरिया के तौर पर वर्ड रहे तो पेज, एक्सेल रहे तो शीट या पावर पॉइंट रहे तो स्लाइड रहता है। रूलर ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। और राइट साइड में स्क्रोल बार हाईलाइट हो जाता है जब पेज हो, सीट हो या स्लाइड हो को जूम करते हैं, जूम इन, तो वर्किंग एरिया के डाउन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट के एक्टिव विंडो के निचले वाले भाग में स्टेटस बार होता है, जहाँ से व्यू के कुछ ऑप्शन देखे जा सकते हैं या वर्किंग एरिया में होने वाले कार्य का स्टेटस मालूम यहीं से पड़ता है स्टेटस बार से। और जो सबसे नीचे दिखता है वो विंडो का पार्ट नहीं होता है, ये डेस्कटॉप या कंप्यूटर के टास्क बार होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा टास्क हो रहा है। और जो अभी विंडो खुला है उसके नीचे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिख रहा होगा। सब्सक्राइब पर क्लिक करते ही आपको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।